Good evening, everyone. This is a surprise live for all of you. सरप्राइज लाइव आने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ जो मेरी नई मुहिम स्टार्ट की गई है उसी के विषय में आप सबको विस्तार से बताने का है कि वो मुहिम एग्जैक्टली है क्या और मैंने स्टार्ट क्यों की है। आप सबको मालूम है कि मैं वाराणसी शहर से बिलोंग करती हूँ, प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र बनारस। वैसे तो ये महामारी पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट की हुई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्रपति हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अपने जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे शहर बनारस में अभी तक ऐसा कोई भी लॉ सामने नहीं आया है जिससे बच्चों का आगे का फ्यूचर डिसाइड हो और बच्चों के फ्यूचर के प्रति स्कूल की फीस जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोगों की मांग है कि जो 6 महीने लॉकडाउन के बच्चे स्कूल में कदम तक नहीं रखे हैं तो फीस किस बात की। फीस माफ़ी हो या तो 70% तक ऑफ हो ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभिभावक हैं, वो इस महामारी से इफ़ेक्ट ना हो और उन्हें उचित मदद मिल सके। पेरेंट्स पर अत्याचार बंद करो, स्कूल की फीस माफ करो, ये है मेरी मुहिम। और मैंने डोर टू डोर जाके लोगों की भी राय ली कि लोगों की क्या राय है एग्जैक्टली। तो लोगों का कहना भी एग्जैक्टली वही था जो मेरा है कि इस समय में अपने घर की रोजी रोटी चलाना और घर के बाकी खर्च मेंटेन करना ही बहुत बड़ा, तो वो किसी को भी देने में अखरेगा। तो मैं नहीं चाहती कि इस दबाव के कारण लोग और परेशान हों। वैसे भी सरकार के जरिए ना ही बिजली के बिल माफ हुए हैं, ना ही वाटर टैक्स माफ हुआ है, ना ही हाउस टैक्स माफ हुआ है, सब वही के वही है। बस 5 किलो चना मिल रहा है और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने की बात कर रहे हैं जिससे पूरा घर का खर्चा चल जाएगा। एक निम्न वर्ग के परिवार की क्या हालत है। और बनारस तो बनारसी साड़ी के नाम से फेमस है, यहाँ के बुनकरों की क्या स्थिति है। जो बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उस बनारसी साड़ी को बनाने वाले बुनकर किस दयनीय स्थिति में है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जिस लूम पे काम होता है उस लूम पे लटकी हुई शव मिल रही है, आत्महत्या कर रहे हैं बुनकर। यह स्थिति है बनारस की। मैं आप सबको हकीकत बता रही हूँ। और इस दयनीय स्थिति में अगर सरकार स्कूल की फीस तक माफ नहीं करवा पाएगी, जो सरकार के एक निर्देश पे इतने महीनों तक लॉकडाउन हो सकता है, उस लॉकडाउन को तो झेल गई जनता, लेकिन क्या उसी सरकार के कहने पे स्कूल की फीस माफ नहीं हो सकती। मेरी ये मुहिम स्टार्ट करने का असली वजह यह है कि निम्न स्कूल के बच्चे तो परेशान हैं ही, उनकी फीस उतनी नहीं है, लेकिन जो लोग अपने यहाँ के बेस्ट स्कूल्स हैं, सनबीम, डीपीएस, आर्यन, उसमें जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी मेरे पास कॉल आया है कि रोशनी आप आवाज़ उठाते हो तो ये बहुत ऊपर तक जाती है, सरकार आपकी बात सुनती है। तो आप ज़रूर इस विषय में भी अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अभिभावक परेशान है, स्कूल की फीस तो उन्हें ही भरनी है, ना ही EMIs माफ़ हो रही हैं, EMI भी टाइम पे देनी है, घर का खाना पीना एवरी डे जो खर्च है वो वहीं का वहीं है, और 4 घंटा 5 घंटे के लिए जो व्यापार हो रहा है उससे कितना लोग कमा ले रहे हैं कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। 4 घंटे के व्यापार में आप कितना कमा ले रहे हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है।
कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उसमें स्कूल की फीस माफ अगर हो जाएगी तो जनता को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सरकार से कि अगर आप स्कूल फीस माफ करवा देंगे तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा जनता के लिए। आप प्लीज स्कूल फीस की माफी के लिए कड़े से कड़े नियम लगाइए, 70% ऑफ हो और बाकी टीचर्स को जो जाना चाहिए वो 30% में आराम से टीचर्स को मिल सकता है। बाकी 70% स्कूल की कमाई होती है, पूरा 100% टीचर्स को नहीं जाता। 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की जो फीस आती है वो टीचर्स को नहीं जाती, ये आम बात है। लेकिन कुछ लोग इस पे भी अगर कमेंट्स करेंगे कि स्कूल की टीचर्स की फीस कौन देगा, तो स्कूल के टीचर क्या 50 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो पूरे 50 बच्चों की फीस टीचर्स को जाती है? कॉमन सेंस नहीं है आपके पास? 70% भी अगर आप माफ कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी जनता के लिए और जनता खुश हो जाएगी। और बाकी आप नॉर्मल जो व्यापार चल रहा है वो तो स्थिति कब सुधरेगी वो अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। सारे बड़े बड़े व्यापार ठप हैं, इवेंट मैनेजर्स खाली बैठे हुए हैं, कोई इवेंट नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज बंद हैं। तो उसके बारे में तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। लेकिन जो आपके हाथ में है, लॉकडाउन करना बहुत बड़ा डिसीजन था जिसने सबको सदमे में ला दिया था कुछ दिन के लिए कि इतना लंबा लॉकडाउन कैसे झेल पाएगी। 21 दिन का स्टार्टिंग में था, एक बढ़ते 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 कई महीने हो गए थे लॉकडाउन। तो वो स्कूल की फीस माफी के लिए मैं चाहती हूँ सरकार इस पे ध्यान दे और ये नियम जरूर लाए। और जिस तरीके से मैं डोर टू डोर विजिट कर रही हूँ, लोग खुद बुला रहे हैं कि रोशनी जी प्लीज मेरा नाम भी लिखिए, मेरा फोन नंबर भी लिखिए और प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि रोशनी जी किसी भी तरह अगर स्कूल की फीस माफ हो जाएगी तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मैं आप सबको लोगों के कमेंट्स या लोगों की बातें वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हर इंसान परेशान है और चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे वो बड़े से बड़े घर का हो, हर इंसान चाहता है कि स्कूल की फीस माफ हो। आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेयर आर यू गोइंग मैडम? शहन जी मैं अभी फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ और मैंने सोचा कि जब तक जा रही हूँ रास्ते में आप सबसे ज़रूर इस मुहिम के बारे में डिस्कस कर लूँ। अभी अभी जस्ट मैं मुहिम का काम करके ही वापस आई हूँ एंड जस्ट बैक टू फैमिली इवेंट जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस विषय के लिए आवाज़ उठाएं और स्कूल की फीस माफी के लिए अपने विचार अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें कि माफ़ होनी चाहिए कि नहीं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम और फ़ोन नंबर आए तो आप ज़रूर मैसेंजर में अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपने बच्चे का स्कूल का नाम ज़रूर बताएं। वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस। मुझे आपकी मेहनत बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच राजीव जी। राजीव रंजन जी मैं मेहनत कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे लोगों का दर्द, लोगों के नज़रिए की बहुत अच्छे से खबर है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे आज से नहीं पिछले 140 दिन से काम कर रही हूँ और 140 दिन में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रही है जनता, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ती है कि मैं नहीं आवाज़ उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। जनता जो अभी पद पे है, जनता जो कर सकती है वो तो जनता को करना ही चाहिए, लेकिन सरकार जो कर सकती है सरकार वो नहीं कर पा रही है 5 किलो चना देने के अलावा। बिजली का बिल
कम तो नहीं हो रहा है, वो उल्टे दिन ब दिन प्रति यूनिट बढ़ता जा रहा है। बिजली का बिल देने में भी लोगों को कितना कष्ट हो रहा है, उसके खिलाफ भी कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल मैं स्कूल की फीस के लिए मुहिम स्टार्ट कर रही हूँ। कांग्रेस ने बिजली बिल माफी के लिए भी बात रखी है सरकार के सामने, जो बहुत जरूरी है, और सरकार को इस बात पे भी एक्शन जरूर लेना चाहिए। रेसिडेंशियल एरियाज में तो बिजली का बिल ज्यादा है ही, कमर्शियल एरियाज में इतना ज्यादा है, और वो भी प्रीपेड। आप यूज करो चाहे ना करो, आपको बिल देना ही है। दुकान आपकी 4 घंटे के लिए खुले चाहे 6 घंटे के लिए, फिक्स चार्जेस आपको देने ही हैं, और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दिक्कतें हर इंसान को हैं, आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। हेमराज जी थैंक यू सो मच, ग्रेट वर्क। रोशनी जी थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। प्रदीप सिंह गौतम जी सो नाइस, यू कमलपुरी जी ओके थैंक यू, सो गुड मैम, आई विशिंग यू ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू, आप सबकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा काम करती हैं, और इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, क्योंकि मुझे भी एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी बुरा कभी नहीं होगा, और आप सब मेरे लिए हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए आगे हैं, और आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, एंड आई विल बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। मैं आपका ट्विटर पर भी फॉलो किया हूँ और हर ट्वीट को देखते हैं। ओके थैंक यू राजीव जी, ट्विटर पे भी फॉलो करने के लिए। ट्विटर पे हालांकि मैं न्यू हूँ, आई एम एक्टिव इन ट्विटर फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स। उसके पहले मैं ट्विटर नहीं यूज़ कर रही थी, बट ट्विटर इज़ अ गुड थिंग। राजीव त्यागी जी को न्याय दिलाने के लिए एक बार इस हैशटैग का सभी कांग्रेसी मिलकर लिखें। डिबेट मैंने भी, लाइव डिबेट मैंने भी कई बार अटेंड की है, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो चाहे वो जी न्यूज़ हो, तो मैं जानती हूँ भाजपा वाले एक अलग गंदी सोच के साथ सामने आते हैं, और चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो गलत हो। और अब इस गलत सोच की वजह से, गलत आवाज़ उठाने की वजह से, हमारे कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी जी के साथ इतना बुरा हुआ है, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संबित पात्रा जो हैं वो अपने आगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। किस एंगल से वो डॉक्टर हैं, किस एंगल से वो डॉक्टर की उपाधि लेके घूम रहे हैं, किसने उन्हें दी ये उपाधि, मैं उस बात पे बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि संबित पात्रा जी की वजह से आज राजीव त्यागी जी के बारे में ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जिस तरीके से वो नेशनल डिबेट्स करते हैं, आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए संबित पात्रा जी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड आप सबको मेरा दिल से प्रणाम, और आप सब अपना ध्यान रखिए। इस कोरोना वायरस की गति अभी कम नहीं हो रही है।